हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट थ्री। तो आज अपन प्रक्षेप्य गति का पार्ट तृतीय पर विचार करेंगे, पार्ट एक और एक दो जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, तो अपने को पता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप्य गति जो होता है उसमें क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पैराबोलिक पाथ पर गति करता है, एक पैराबोलिक पाथ पर मूविंग कंडीशन में आ जाता है और उसे अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लो ये मैंने ऊपर फेंका और इसकी दैट टाइप ऑफ मोशन ये कौन सा है, पैराबोला बन रहा है और ये पैराबोलिक जो पाथ कंटेन करता है इस टाइप के मोशन को बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका अपन आज बात करेंगे पार्ट थ्री पर। अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था पहले कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो इस टाइप का मोशन लेगा कुछ, और मैक्सिमम हाइट कहाँ लेगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय टीएम, तो वापस नीचे आने में भी कितना टाइम लेगा टीएम। ओके बेटा, तो मतलब भाई जब ऊपर जाने में टीएम तो वापस नीचे आने में भी टीएम, ये अपन पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। और किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से, किसी ना किसी प्रारंभिक वेग से इसे ऊपर फेंकेंगे, वो है यू। ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। क्लियर है? अब जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसके हवा में रहने का टाइम कितना हो गया, टीएम और टू टीएम, तो टू टीएम जिसे बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में बोले तो बोलते हैं उड्डयन काल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उड्डयन काल। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के हवा में रहने का टाइम, मतलब वो कितनी देर हवा में रहता है। ठीक है, अभी कितने हॉरिजॉन्टल रेंज ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स एक्स में, आर जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हिंदी में बोले तो बोलते हैं क्षितिज परास। और एच को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो करेगा माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए एक्स की वैल्यू जीरो। अगर अपने को पता है अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या माना था कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पी पॉइंट पर प्लेस होता है। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यही वाला, ये टी टाइम पर यहाँ है, तो ये टी टाइम पर यहाँ, तो ये इसका एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट एक्स, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वाई, और इसकी वेलोसिटी वी। तो इसके दोनों कंपोनेंट होंगे, इधर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का वी एक्स और इधर वाला कंपोनेंट वी वाई, ये एंगल भी थीटा। ठीक है भाई, ये अपन निकाल चुके। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा ए वाई बराबर माइनस जी, और अपन ने एयर के जो फ्रिक्शन को अपन क्या मानते हैं, इसके अंदर नेग्लिजिबल मानते हैं। तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि इस पूरी की पूरी जो अपन ने क्या निकाला है, डेरिवेशन करा है, जो अपन ने इलस्ट्रेशन करा है, उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी को ही प्रेफरेंस दे रहे। बाकी अगर किसी के भी कारण, एयर के कारण कोई भी इसमें फ्रिक्शन या मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर अपन ए एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, ओनली एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ, और जिसे बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, ये अपन ने सारे के सारे कैसे निकाले थे कि देखो, सबसे पहले टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय टी एम, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये पहली डेरिवेशन, पहली इक्वेशन। फिर दूसरी थी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम उसी ऑब्जेक्ट के हवा में रहने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, थर्ड आई थी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, मीटर टाइम तो सेकंड और सेकंड। आगे फिर निकाला था अपन ने हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 4 मीटर। ये क्या आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज कि कितना हॉरिजॉन्टल रेंज वो लेगा। यहाँ तक अपन ने पहले और दूसरे पार्ट में निकाल लिया था, लेकिन अभी अपन बात करेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, कि किस एंगल पे फेंकूँ कि ये मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, बोले तो अधिकतम क्षितिज परास। तो देखो यार, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की जब बात करते हैं, मैक्सिमम कब जाएगा, देखो यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सबसे पहले फेंका ऐसे, यहाँ पर आया, देखना इसको फेंका कैसे ऐसे, अब मैंने इसको फेंका ऐसे, तब भी ऑब्जेक्ट यहीं आ रहा है। मतलब पहले मैंने इसको ऐसे फेंका तब भी यहीं, और यहाँ फेंका तब भी यहीं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ फेंकता हूँ, देखना एक, मतलब मैंने अगर एक बीच का एंगल लेना है मेरे को, मतलब 0 और 90 के बीच में, देखो क्योंकि लास्ट यहाँ से स्टार्ट हो सकता हूँ और यहाँ तक ऑब्जेक्ट को फेंक सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंकूंगा तो इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंकूंगा तो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, मतलब लास्ट ऑब्जेक्ट को इस वे में फेंक सकता हूँ। तो मतलब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत। तो कितने डिग्री तक फेंक सकता हूँ, 90 डिग्री तक फेंक सकता हूँ, 0 से 90 डिग्री तक फेंक। पर भाई अधिकतम कहाँ होगा, तो सोच के देखो इस इन दोनों के जहाँ बीच वाला पार्ट होगा क्या वहाँ मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, और कितना डिग्री होगा। 0 और 45 के बीच में कौन आता है, 0 और 90 के बीच में कौन आता है बेटा, 45। तो ध्यान रखना, तुम्हें जो भी हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी वो 45 पर मैक्सिमम मिलेगी। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा अपन करते हैं इस पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर मैक्सिमम के लिए निकालेंगे तो अपने को पता है मैक्सिमम साइन 2θ की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन 2θ की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। देख लेना, साइन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो साइन 1 से माइनस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई साइन की 1, तो अपन ने ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो साइन 2θ बराबर 1 होना चाहिए तभी ये मैक्सिमम होगा। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर 2θ 1, तो अपने को पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये अपने को पता है, तो इसको यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन 2θ बराबर साइन 90। अरे क्लियर है, तो ये 2θ किसके इक्वल हो जाएगा, 2θ इक्वल्स टू 90 और थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया एंगल अपना, जहां वेयर वी गॉट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जहां अपन अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करते हैं। देखते हैं, तो यहां लिखेंगे व्हेन थीटा बराबर 45 देन आर बराबर आर मैक्स, कि भाई जब थीटा 45 डिग्री पर होगा तो अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज का कौन सा भाग मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो, तो इस इक्वेशन से, फोर इक्वेशन से यूज करता हूं, तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ की वैल्यू 1 क्योंकि 45 है, और अपॉन जी क्यों, क्योंकि साइन 2 × 45 और साइन 2 × 45 इज इक्वल टू 90 और 90 की वैल्यू 1। ओके, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ जाएगी तुम्हारी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास। अब आगे इसी टॉपिक को बोला गया कि मेरे पास दो एंगल मिले जहां पर मेरे को सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिली। अब यार ये कैसे हुआ, तो देखो एक एग्जांपल से करते हैं कि एंगल डिफरेंट है पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, सेम है। देखो कैसे, इसको पहले तो प्रैक्टिकली देखना, मैंने इसको लगभग अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री पर फेंका, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री पर। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री पर फेंकूंगा,
वापस मना, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री, क्लियर, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री, अब अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री। क्या रेंज, ये जो रेंज है क्या हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों में लगभग लगभग सेम मिल रही है? हाँ। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे भाई, कितना डिग्री का एंगल है ये दोनों, कि पता कैसे चलेगा कि एक 30 और एक 60 है? ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया कि दो बॉल है, एक बॉल बी वन बॉल, उसको पहले फेंका किसी थीटा वाले एंगल पर, तो वो यहां आके गिरी थीटा वन एंगल पर, और उसने हॉरिजॉन्टल रेंज ली आर वन। ओके, एक बी टू बॉल है, बी टू बॉल है, उसको किसी एक और एंगल पर फेंका, और कितने एंगल पर, थीटा टू एंगल पर, और वो भी बॉल वहीं आके गिरी, और उसने हॉरिजॉन्टल रेंज ली आर टू। लेकिन दोनों जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो आर वन बराबर आर टू बराबर आर, बट थीटा वन एंड थीटा टू इज नॉट इक्वल टू, पर थीटा वन और थीटा टू एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस चीज को समझना कि एक बंदा था, उसके बाद दो बोले थी, एक बोल बी वन एक बोल बी टू, तो पहले बी वन बोल को फेंका 30 डिग्री, इमेजिन करना मैं पूरा डायग्रामेटिकली बता, तो 30 डिग्री भैया। अब इसी बोल को फेंका 60 डिग्री, क्या तुम्हें एक ही जगह पर दोनों मार्कर या दोनों बोल गिरती हुई नजर आ रही, नहीं आ रही है? हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब दोनों को मैंने अलग एंगल पर फेंका, लेकिन दोनों से जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिली वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो इसका मतलब थीटा वन और थीटा टू बराबर तो नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। अब देखो क्या आएगा, तो अपन सबसे पहले करते हैं बी वन बोल के लिए, बी वन बोल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज आर वन, यू स्क्वायर साइन टू थीटा वन अपॉन जी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इसी तरीके से बी टू बोल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज आर टू बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू अपॉन जी, इक्वेशन टू। अब अपने को पता है हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर है, अपने को पता है आर वन बराबर आर टू, आर वन बराबर आर टू, किंतु थीटा वन बराबर नहीं है भाई थीटा टू के, याद रखियो, याद रखियो, ठीक है, याद रखना है ये चीज। अब देख भाई, थीटा वन और थीटा आर वन और आर टू बराबर तो रखो, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा वन अपॉन जी, क्लियर, यहाँ आर टू की वैल्यू रखो, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू अपॉन जी, क्लियर। दोनों में जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जी ने जी को मारा, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मारा, तो साइन टू थीटा वन बराबर साइन टू थीटा टू, इक्वेशन नंबर तीन। अब अगर इस इक्वेशन से चलें अपन, टू थीटा बराबर 90, तो तुम्हें पता चल रहा है कि थीटा बराबर टू थीटा बराबर 90 हो जाएगा, थीटा बराबर फोर, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते। यहां आ रहा तुम्हें टू थीटा वन बराबर टू थीटा टू, थीटा वन बराबर थीटा, और तुमने पहले ही बोल दिया कि थीटा वन और थीटा टू एक दूसरे के बराबर नहीं, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब साइन की वो वैल्यू लेते हैं, साइन को उस क्वाड्रेंट में ले जाते हैं जहां साइन केवल थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो देखो एक चीज याद रखना, तुम्हें केवल याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा। अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत जल्दी समझ में आया होगा कहां से आया, बायो वालों को नहीं आ रहा तो अभी के लिए केवल याद करो, बाद में ये भी बताएंगे कि कहां से आता है। तो अभी बात करते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो यहां पर साइन 2 थीटा 2 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 2 थीटा 2। ओके, तो देखो क्या होगा कि साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 180 माइनस 2 थीटा 2। अब ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, तो 2 थीटा 1 बराबर 180 माइनस 2 थीटा 2, इसको इधर भेज देते हैं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, 2 बाहर आ गया, 180
और 180 से इसको काटा तो 90। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन आया थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो दोनों एंगल है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक तुमने 30 डिग्री से फेंका है तो दूसरा तुम अगर 60 डिग्री से भी फेंकोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, बट उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। जैसे वापस देखते हैं, एक अगर मैंने 30 डिग्री से फेंका वहाँ गिरा, एक मैंने 60 डिग्री से फेंका तब भी वहीं गिरा, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, सेम मिल रही है। कब, जब एक को 30 डिग्री और एक को 60 डिग्री से फेंकता हूँ, दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ध्यान रखना दोनों की अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज भी सेम होगी। तो बोलो ये आज का टॉपिक ओके है सबको, क्लियर? तो दैट इज द प्रोजेक्टाइल पार्ट 3 और प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया आज के। ओके, तो आज के लिए थैंक यू बेटा।